प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलता है वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बॉक्स के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 44 वाट का एडाप्टर, टाइप सी का डेटा केबल दिया है, यूजर गाइड मैनुअल आ जाता है और सिम इंजेक्टर टूल दिया है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हैंडसेट के बैक साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप दिया है, साथ ही यहाँ पे ऑरल लाइट जो है ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे बैक स्ट्रक्चर पूरी तरह से मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलता है और ग्लोसी डिजाइन के साथ में ये बैक स्ट्रक्चर दिया है। हैंडसेट जो है ये पूरा आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ में दिया है। इन हैंड फीलिंग की अगर बात करेंगे तो काफी कम्फर्ट सी इन हैंड फीलिंग देखने को मिल जाती है। हैंडसेट का वेट सिर्फ 190 ग्राम का है, इन हैंड के अंदर काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन की नीचे दी है पावर ऑन ऑफ की। यहाँ पे अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और सिम इंजेक्टर टूल का ऑप्शन दिया है, सेकेंडरी माइक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हेडफोन जैक ये स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे हैंडसेट है जिसके अंदर आपको हेडफोन जैक अभी भी ये प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता था, जैसे इसके पहले वीवो का Y100 आया था उसके अंदर में भी आपको हेडफोन जैक दिया था, लेकिन Y200 के अंदर आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पे सिम स्लॉट की अगर बात करेंगे तो ये हैंडसेट के अंदर आप सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन ये भी यहाँ पे इस बार नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पे बैक साइड में अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ऑरल लाइट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको कलर चेंजिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर पहला कलर देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर देखने को मिल जाता है, इसी के साथ ही ऑफ व्हाइट भी कलर दिया है और थोड़ा सा ग्रीन शेड के अंदर नॉर्मल सा व्हाइट कलर आ जाता है, तो कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यही सेम आपको इमेजेस के अंदर में भी यहाँ पे लाइट्स का इफेक्ट जो है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैमरे की अगर बात करेंगे तो 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया है, OIS के सपोर्ट के साथ में आ जाता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो लगभग सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो 4K वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट नहीं करता है, HD और फुल HD के वीडियो सपोर्ट करता है, 30 और 60 दोनों FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी जूमिंग की अगर बात करेंगे तो हैंडसेट के अंदर आपको 10x तक की जूमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जूमिंग क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है। सेल्फी की अगर बात करते हैं तो इमेजेस क्वालिटी देखेंगे तो काफी अच्छी इमेजेस क्वालिटी देखने को मिल जाती है। कैमरे के अंदर अगर देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड जो है ये काफी परफेक्टली बैकग्राउंड ब्लर करता है, यहाँ पे कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये भी काफी परफेक्टली देखने को मिलते हैं। तो वैसे आप एक एक करके इमेजेस चेक कर सकते हैं। कुछ हमने आउटडोर के अंदर में भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर इमेजेस ली है तो आउटडोर के अंदर में भी काफी परफेक्टली इमेजेस देखने को मिल जाती है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये काफी बढ़िया से मेंटेन किया है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल इमेजेस भी हमने यहाँ पे ली है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ही बैक कैमरे की अगर बात करेंगे तो बैक कैमरे के अंदर में भी काफी अच्छी सी इमेजेस क्वालिटी दी है। सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये बैक कैमरे के अंदर में भी काफी परफेक्टली देखने को मिल जाता है। तो इमेजेस क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल काफी अच्छी इमेजेस क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है फ्रंट कैमरे की और बैक कैमरे की भी। हैंडसेट का जो डिस्प्ले है ये डॉट कंसोल स्क्रीन के साथ में आ जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है 6.67 इंचेस का एमोलेड LCD 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आ जाता है। और टच क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो काफी बढ़िया सी टच क्वालिटी देखने को मिल जाती है। फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन दिया है, यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 का देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस लेवल भी काफी आउटडोर के अंदर अच्छा देखने को मिल जाता है। विजिबिलिटी काफी अच्छी दी है जिससे आपको आउटडोर के अंदर में भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत ब्राइटनेस को लेकर नहीं होने वाली है। और यहाँ पे हैंडसेट के अंदर अगर देखेंगे तो बेजल्स और चीन अगर देखेंगे तो बहुत ही कम यहाँ पे बेजल्स और चीन देखने को मिल जाती है। शायद ये वाई सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर इतने कम बेजल्स और चीन यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हैंडसेट का जो प्रोसेसर है यहाँ पे दिया है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4Gen 1 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 2 GHz की क्लॉक स्पीड है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट, इसी के साथ ही रैम टाइप LPDDR4X का दिया है। रैम एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है ये भी दिया है 8+8 का। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे ऑप्शन।
बैटरी की अगर बात करेंगे तो 4800 mAh की बैटरी दी है, 44 W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 22,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर 8128 वाला वेरिएंट आ जाता है, उस हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन दिया है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया दिया है, कैमरा क्वालिटी जो है काफी कमाल की देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है और एमोलेड एलसीडी मिल जाती है। कमियां की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया है। लेकिन अदरवाइज अगर देखेंगे तो हैंडसेट काफी बढ़िया देखने को मिलता है अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर छोड़ते हैं तो। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कम प्राइस रेंज के अंदर वीवो ने काफी बढ़िया सा हैंडसेट निकाला है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।